हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड 37 ऑफ कैप्स। इस एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, जिस बारे में हमें कई महीनों से स्टूडेंट्स के लगातार फीडबैक मिल रहे हैं। ऑल्दो कई तरह के फीडबैक, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती हैं, बट हर एपिसोड में हम किसी एक प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर पाते हैं। और इस बार की प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से लिंक्ड है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हम खूब मेहनत करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी कोई मंथली टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं, चाहे हम घर पे पढ़ के दें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दें, तो टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आ पाती जितनी हमारी तैयारी थी। ऑल्दो कई तरह के मेथड से, टॉपर्स मेथडोलॉजी से, टॉपर्स बिहेवियर से, लाइफस्टाइल से मैं ये बातें बता चुका हूँ कि आप अपनी ऑल इंडिया रैंक को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कैप्स में बहुत सारे मेथड्स हमने शेयर किए हैं। आज हम एक दूसरा मेथड शेयर करने जा रहे हैं जो हम हमारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। वो स्टूडेंट जो डायरेक्टली हमसे लिंक्ड हैं या कई स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं सेल्फ स्टडी के, वहाँ पे भी हम हेल्प करते हैं बच्चों की। एंड दिस स्टडी मेथड व्हाट वी कॉल इज सिंक्रोनस स्टडी मेथड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर सभी सब्जेक्ट की प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड स्टडी की जाती है, स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपरेशन फॉर जेई और नीट, दैट इज गोइंग टू गिव यू एक्सट्रीम बेनिफिट एन एग्जामिनेशन हॉल। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को खुद भी एंडोर्स करें कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ रहती है, क्यों एग्जामिनेशन हॉल में हमारी तैयारी होने के बावजूद कई बार हम प्रॉपरली और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इस बारे में एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट का, रेस का, या कोई भी प्रिपरेशन आप जिसके ऊपर लगे हुए हैं। लाइक ये एग्जांपल मैंने अपने कई सेशंस में या ओवरऑल मोटिवेशन के लिए भी दिया है कि अगर आपको 100 मीटर की रेस में, एथलेटिक रेस में पार्ट लेना है और 100 मीटर की रेस में जीतने की कोशिश करनी है, जीतने के लिए दौड़ना है, तो आपको लगातार रोज सुबह दोपहर शाम घर में 100 मीटर की रेस का अपना टाइम नोट करना पड़ेगा और लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कोशिश करनी पड़ेगी अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्ड करके, अपने डाइट्स को इम्प्रूव करके, एक्सरसाइजेस के द्वारा, कि आप उस टाइम को मिनिमम पॉसिबल टाइम में ला सकें। इसी चीज़ को अगर हम एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं, तो पहले भी एक बार बात हो चुकी है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे अपने दिमाग को लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने पे अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे आपके पास क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते। तो घर पे भी आपको उन 3 घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस बारे में मैं प्रीवियस कैप्स में भी किसी कैप्स में ये बातें कर चुका हूं कि आपको घर में अपने स्टडी स्लॉट्स 3-3 घंटे के स्लॉट में रखने चाहिए। आज उसी में एक एड ऑन फैक्टर की मैं बात करूँ, सिंक्रोनस सब्जेक्ट्स। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जेई की, देर आर 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। If we talk about NEET, students are preparing 4 subjects, physics plus chemistry plus zoology plus botany. JEE का exam भी 3 hours का होता है, चाहे वो JEE main हो या JEE advance हो। 3 घंटे के JEE advance में 2 paper होते हैं, JEE main में 1 paper होता है। NEET का paper भी 3 hours का होता है। हम इन 3 hours के अंदर physics, chemistry, maths तीनों पे अपना दिमाग apply करते हैं। No matter whatever is your sequence of study, आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, इन तीनों सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक मॉडल के साथ प्रिपेयर करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में कई स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, वो केमिस्ट्री को पहले करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं। या हमने कैप्स के ही एक एपिसोड में आपको पेपर अटेम्प्ट करने की मेथडोलॉजी बताई है कि आप पूरे पेपर को 50-50% अटेम्प्ट कीजिए, 50% फिजिक्स, 50% केमिस्ट्री, 50% मैथमेटिक्स, सो दैट आप कंफर्टेबली विद योर ओन सेलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए, पेपर को रैप कीजिए, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में रिमेनिंग 50% क्वेश्चंस को करें। वो भी आप 20-10-20 करके या किसी भी मॉडल से कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में करेंगे तो आपके किसी भी लास्ट में रहने वाले सब्जेक्ट के पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सेम थिंग इज वैलिड फॉर नीट ऑल्सो। नाउ वॉट आई वुड लाइक टू सजेस्ट एट होम, यू ऑल्सो नीड टू हैव अ सिंक्रोनाइज्ड स्टडी पैटर्न फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट पे एक साथ दिमाग चलाना है, तो बहुत जरूरी है घर पे आप तीनों सब्जेक्ट पे एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग को चलाएं। इस सिंक्रोनस स्टडी पैटर्न के या सिंक्रोनस स्टडी मेथड के कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप ये याद करें कि एग्जामिनेशन हॉल में 3 या 4 सब्जेक्ट पे एक साथ 3 घंटे में दिमाग लगाना है, तो क्या कभी आपने 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन जो आप जेई या नीट के लिए कर रहे हैं, क्या कभी भी घर पे
लगातार 3 घंटे में चारों सब्जेक्ट या जेई प्रिपरेशन में 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करी है, 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आप अपने आप से पूछेंगे तो शायद आपको रियलाइज होगा कि नहीं, एक्सेप्ट इन केस हमने कभी घर पे सेल्फ पेपर अटेम्प्ट किया हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ध्यान नहीं रखते कि 3 घंटे के अंदर तीनों या चारों सब्जेक्ट को एक साथ ग्रूम करें। सो सिंक्रोनस स्टडी मेथड का बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप जब भी घर पे पढ़ने बैठे आप अपने ब्रेन को ट्यून कीजिए फॉर द फाइनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट यू शुड डू, आप अगर फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर कर चुके हैं, से फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास, केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर कर चुके हैं केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैथ्स के अंदर एक टॉपिक कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, नाउ इन टॉपिक्स को अगर आप कर चुके हैं तो जनरली हम घर में क्या करते हैं, आज सेंटर ऑफ मास के एक्सरसाइज बुक्स जो भी चीजें लेके बैठते हैं 5 या 6 घंटे सेंटर ऑफ मास की प्रैक्टिस लगातार करते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास अच्छे से हमारे दिमाग में सेटल हो जाए। जहां तक पढ़ने की बात है, मैं कैप्स के एपिसोड 1 में सही तरीका बता चुका हूँ सॉल्व एग्जाम्पल करने का, अपने आप को किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर पे ग्रूम करने का। आप उस कैप्स एपिसोड 1 को बहुत ध्यान से देखें किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को एनहांस कर सकते हैं और अपने आप को असेस कर सकते हैं। सर्टेनली जब आप अपने आप को फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल्स फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज फेयर एनफ कि उस टॉपिक पे आप 3 या 4 घंटे दें। लेकिन व्हेन वी कम टू द लेवल ऑफ प्रैक्टिस, आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट की अपनी स्टडी टेबल के ऊपर सारी एक्सरसाइज बुक्स खोल के रखिए। एंड व्हाट यू शुड स्टार्ट, 5 questions ऑफ फिजिक्स, 5 questions ऑफ केमिस्ट्री, 5 questions ऑफ मैथ्स, 5 question आप सेंटर ऑफ मास की एक्सरसाइज के सॉल्व कीजिए, 5 question केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्व कीजिए, 5 question सीक्वेंस सीरीज के सॉल्व कीजिए, फिर वापस आप 5 question ये सॉल्व कीजिए, 5 ये कीजिए, 5 ये कीजिए, और 3 घंटे तक लगातार तीनों सब्जेक्ट पे टॉगल करते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस का टाइम उतना ही यूज हो रहा है। इस सिंक्रोनस स्टडी मेथड के कई बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे स्टकअप हुए तो योर टारगेट इज ओनली टू अटेम्प्ट 5 question, आफ्टर विच यू नीड टू चेंज द सब्जेक्ट। आप जैसे ही सब्जेक्ट चेंज करेंगे आपका दिमाग टॉगल करेगा, आप दूसरे सब्जेक्ट पे दिमाग लगाना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट वापस से बिल्ड होना शुरू होगा, फिर वापस मैथ्स के ऊपर जाइए, फिर जैसे ही आप उसके ऊपर आएंगे वापस से आपका दिमाग दोबारा से लगना शुरू होगा, फ्रेश माइंड से आप वापस लगेंगे, फिर 5 questions के बाद फिजिक्स पे आइए। इन दिस मैथड वी हैव रियलाइज विद मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट कि उनका इंटरेस्ट इतना स्ट्रांगली स्टडीज में मेंटेन रहता है इस मैथडोलॉजी के साथ, ना सिर्फ 3 घंटे, कई स्टूडेंट 5 या 6 घंटे तक इस मेथड में इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जितने किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर उतना टाइम देने पे सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट के लगातार क्वेश्चंस करते करते फटीग बिल्ड होना शुरू होता है। शुरू के 1 या 1.5 घंटे में हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बाद के 1.5 या 2 घंटे के अंदर क्योंकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में काफी फिट हो चुके होते हैं सो क्वेश्चन इजीली होने भी लगते हैं, लेकिन फिर भी फटीग की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी और स्पीड रिलेटिवली कम हो जाती है। इस मेथड में अब मान के चलिए 3 से 5 घंटे तक आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफी हद तक बना रहेगा। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जल्दी जल्दी सब्जेक्ट स्विच करते हुए एक साथ तीनों सब्जेक्ट पे ब्रेन को अप्लाई करना, दिमाग लगाने की हैबिट को बिल्ड कर लेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम के पहले 2 या 2.5 घंटे में तो कई बार हम अलग अलग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन लास्ट के 1.5 घंटा जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है एग्जामिनेशन हॉल का, वहां हम शफल करते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन क्वेश्चंस में हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अटक रहे थे, और एक साथ तीनों सब्जेक्ट पे दिमाग लगाने की कोशिश में जद्दोजहद के अंदर हम उस चीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर आपकी एक हैबिट रहती है इसी मॉडल के अंदर लगातार चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ऑब्वियसली नीट के क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली इजी है, यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10, जूलॉजी बॉटनी के 30-30 क्वेश्चन, इस पैटर्न के ऊपर आप स्टार्ट कीजिए। डिपेंडिंग अपॉन केमिस्ट्री टॉपिक्स, अगर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं 10 रखिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं सो इन दैट केस आप यहाँ पे भी 25-30 क्वेश्चंस का स्ट्रेच ले सकते हैं।
और इस पैटर्न के साथ आप स्टडी करेंगे तो एक साथ सारे सब्जेक्ट पे आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे, हैबिट बिल्ड होगी, ग्रेजुअली आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप खुद रियलाइज करेंगे आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को रिटेन कर पा रहे हैं। और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रॉब्लम आती है सिली मिस्टेक की कि हमको क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हो पाते, इट इज मेनली बिकॉज कि आपने अभी तक कभी भी अपने ब्रेन को 3 घंटे में एक साथ सारे सब्जेक्ट के लिए डेवलप नहीं किया, उस लेवल की तैयारी नहीं करी है। कई स्टूडेंट 3-3 घंटे के स्लॉट में स्टडी तो करते हैं ताकि 3 घंटे की सिटिंग हैबिट बने, लेकिन 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट या 3 घंटे में चारों सब्जेक्ट की सिंक्रोनाइज स्टडी की हैबिट ना होने से एग्जामिनेशन हॉल में जब हम सब्जेक्ट स्विच करते हैं तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता कि हम इमीडिएटली नए कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट के अप्लाई कर पाए। और आप इस चीज का ध्यान रखें, एक्चुअल जेई या नीट के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट या इन चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th के सारे चैप्टर्स एक साथ हैं। इट इज नॉट जस्ट द सब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, इट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट आल्सो। सो दिस मेथड इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इन जेई एंड नीट। अभी जो स्टूडेंट क्लास 12th में, उनके पास आने वाले 5-7 मंथ्स हाथ में हैं, इसमें इस हैबिट को बिल्ड करें कि जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठेंगे, चाहे वो नए क्वेश्चंस हों चाहे रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हों, तो हम सिंक्रोनस स्टडी मेथड से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, दिस मेथड इज गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन टिश्यूज, ट्रेन योर बॉडी फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ योर जेई एंड नीट, जिसके ऊपर आपके आने वाले कई सालों का करियर टिका हुआ है। मैं पहले कई बार बता चुका हूं, कोई एग्जाम हमारे करियर को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो स्टूडेंट एक्सट्रीम कॉलेजेस से या बहुत पॉपुलर कॉलेजेस से ही इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहते हैं, वो करियर आपको जेई या नीट से ही मिलेगा। सो अगर हम जेई या नीट को एक अच्छे लेवल पर क्रैक करना चाहते हैं, देन रेस्ट अश्योर दिस मेथड ऑफ स्टडी इज गोइंग टू ड्रास्टिकली प्रिपेयर यू फॉर गेटिंग योर ओवरऑल बूस्टेड ऑल इंडिया रैंक इन जेई नीट एंड एम्स। विश यू ऑल द बेस्ट।